आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। जनपद मुरादाबाद में दूसरे चरण की सभी 6 सीटों पर कितने प्रतिशत रहा मतदान, जनता ने किन मुद्दों को लेकर की वोटिंग, क्या इस बार बदलेगा समीकरण, 2022 में क्या मुरादाबाद की जनता चाहती है बदलाव, देखें गांव से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट ग्राम प्रधानों के साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज पर। चौधरी, ग्राम पंचायत टहामत। सर, आज मतदान हो रहा है तो मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतदान को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से मेरा ये कहना है, सभी वर्ग के लोगों से ज्यादा मतदान करें। इसके मतदान केंद्र पे मतदाता आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है कानून की? कानून की सारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन बार बार आके चेक कर रहे हैं, टीचर लोग अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, मतदान में कुछ शांतिपूर्वक कर रहे हैं। सर, जैसे देखा जाता है गांव देहात में अधिकतर दो तरफा चुनाव होता है और कुछ पार्टीबाजी हो जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सब किसी से कोई कुछ नहीं, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ पे वोट डाले, वहाँ वोट डाले, किस तरह कोई दबाव, कोई दबाव किसी पे नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। जी जी जी। सुना है ये बूथ जो है अति संवेदनशील में आता है? जी जी जी, अति संवेदनशील में आता है। जी, आपकी तरफ से कोई व्यवस्था है यहाँ? आपने मैंने सभी प्रशासन जो लोग आए हुए हैं, कोई पार्टी आई है, सभी के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, रास्ता सभी के लिए मैंने किया है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं से मेरी यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा वोट। अच्छा सर, अभी तक कितना प्रतिशत वोटिंग होगी? लगभग 30 के आसपास। 30 के आसपास, हाँ। अच्छा, यहाँ जो बुजुर्ग से युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी मतदान करने के लिए? सभी मतदान कर रहे हैं, जो बुजुर्ग चलने में असमर्थ है उनको बाइक या किसी भी साधन से लाया जा रहा है, सभी का वोट डलवाने की कोशिश है। कितने दिन से प्रेरित कर रहे हैं आप गांव वालों को वोट डालने के लिए? हम ज्यादा से ज्यादा, हमको लोगों को 1.5 महीना हो गया इसी में, कि ज्यादा से ज्यादा वोट कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रक्रिया में लगे। जी 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 जी, ठीक है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगा अपनी सारी उत्तर प्रदेश की जनता से, और फिलहाल तो जिला मुरादाबाद का हूँ मैं, जिला मुरादाबाद की जनता से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और एक अच्छी सरकार। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र सिंह प्रजापति है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ग्राम प्रधान हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत है? मेरी ग्राम पंचायत बड़पुरा मजरा महेशपुर खेम है। यहाँ पर किस तरीके का मतदान चल रहा है? यहाँ मतदान देखा जाए तो जनता के विरुद्ध बड़ी खुशी का माहौल है, और जनता को बड़ी खुशी हो रही है कि हमने मतदान करा है, और ये मतदान जो हुआ है वो सब जनहित के लिए हुआ है। जो हमारी सरकार ने करा है, पिछली सरकार ने, वो अच्छा करा है, और उसी के थ्रू हमारा जो मतदान हुआ है। जी, यहाँ पर मतदान स्थल पर किस तरीके की कानून व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, और हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर, कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। आपने गांव की जनता को वोट करने के लिए कितना प्रेरित किया है? कितने दिन से आप लगातार उनको प्रेरित कर रहे हैं? मैं कम से कम समथिंग 1.5 महीने से लगा हुआ उस चीज़ में, और मैं ये कह रहा हूँ कि अपना मतदान करें, अपना मतदान जो है अपने जी का अधिकार है मतदान करने का, वो करिए। अच्छा सर, देखा जाता है पोलिंग बूथों पर अधिकतर कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ घपला होता है, और जो दो पक्ष होते हैं उसके बीच भी हाथापाई हो जाती है, कहीं ऐसा कोई माहौल तो नहीं? ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, और हमारा बड़ा शांतिपूर्वक मतदान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मतदाताओं के लिए क्या अपील करना चाहते हैं आपके वहाँ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपना सभी मतदान करिए, और ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए, ताकि हम अपना एक जनहित में अपना एक उद्देश्य चुन सके, यानी कि अपना एक मुख्यमंत्री बना सके। कितने प्रतिशत यहाँ मतदान हो गया? हमारे यहाँ कम से कम 70-75% मतदान होगा उम्मीद है। यहाँ हर वर्ग के मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे जो दिव्यांग हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्हील चेयर कर रखी है, वो सब सुविधा अवेलेबल है। जी, बात ठीक है, ओके। हम राजेंद्र सिंह, क्या पद है आपके पास? मैं ग्राम प्रधान। प्रधान जी, यहाँ पर आपने कैसी व्यवस्था बना रखी है पोलिंग? पोलिंग बूथ में व्यवस्था ठीक सही है, और 2-3 दिन से इसकी तैयारी चल रही है, जनता में यह जागरूक कर रहे हैं कि भाई 70% मतदान करो जी, और देश के हित में मतदान करो। जी जी। जैसे कि सर, यहाँ हम आए और देखा कि शांति व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है, और पुलिस प्रशासन का कितना योगदान रहा है? पुलिस प्रशासन का बहुत सही यहाँ, मतलब योगदान बढ़िया है, बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कोई ऐसा विवाद विवाद वाली बात नहीं है, कुछ नहीं। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाताओं से यह है भैया, अपना मत का प्रयोग करें, 70% मतदान करें। जी। अच्छा सर, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका होगा? यहाँ 30% हो गया। 30% हो गया,
तो जो मतदाता हैं क्या सभी एज के मतदाता यहाँ मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, जो 18 से जो मतदाता हैं वो सभी उम्र के यहाँ मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। अच्छा सर, अभी तक जैसे देखा गया है पोलिंग बूथों पर शांति व्यवस्था नहीं थी, और लेकिन इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सभी जगह? यहाँ पोलिंग बूथ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो सख्त तरीके से कोई कानून व्यवस्था सही है, और किसी तरीके से दंगा फसाद की बात नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जी सर,